तो अब बात कर लेते हैं पांचवें बीज मंत्र की, और इस बीज मंत्र से के जाप से ही आपको माँ दुर्गा की कृपा मिल सकती है, बताएं पंडित जी। देखिए, माँ दुर्गा का बीज मंत्र है दुंग। माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दुंग बीज मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। द का अर्थ है दुर्गा और उ का अर्थ है सुरक्षा, और दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गति दुरावई यशसह दुर्गा, जो दुर्गति को दूर कर दे वही है दुर्गा। दुर्गति दुरावई यशसह दुर्गा, जो दुर्गति को दुरावे वही है दुर्गा। माँ दुर्गा के इस बीज मंत्र से मनोकामना पूरी होती है और साधक को सकारात्मक ऊर्जा के साथ शक्ति भी मिलती है। इस बीज मंत्र के जप से वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक चर्चा आती है कि चारों वेद, छह शास्त्र, 18 महापुराण आप पढ़ लीजिए, लेकिन इससे केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी का नाम राधा है और बुद्धि स्वरूपा देवी का नाम दुर्गा है। प्राण स्वरूपा देवी का जो मंत्र राधा का है वो है ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा, ये 6 अक्षर का मंत्र है। और दुर्गा का जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है भगवान कृष्ण के बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा का। तो इसलिए जो दुर्गा के भक्त इन मंत्रों से दुर्गा का आयोजन करते हैं उनके जीवन से दुर्गति सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी।